नमस्ते, मैं उपाल रोहाती और आज का फैक्ट ये है कि जो देश में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होती है वो देश को मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। जो देश के अंदर 60% से ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन होती है वो कंट्री को क्रिश्चियन कंट्री कहा जाता है। मगर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कहा जाता है कि हिंदुओं की जनसंख्या 80% है, उसके बावजूद भारत एक हिंदू कंट्री नहीं है बल्कि एक सेक्युलर कंट्री है। तो क्या ये हिंदुओं की महानता है कि उनकी मूर्खता? क्योंकि जो धर्म के लोगों ने अपने लिए एक देश की मांग भी नहीं करी, वो धर्म के लोग आधे से ज्यादा तो सेक्युलरिज्म का नारा लगाते हैं और वो ही लोग आधे से ज्यादा हिंदू टेरर करके ये गलत शब्द प्रमोट करते हैं। तो क्या हिंदू मूर्ख है, क्या हिंदू लालची है, क्या हिंदू कायर है, कि क्या हिंदू इतने बेवकूफ है कि उनको यही नहीं पता कि उनको कौन यूज कर रहा है और किस लिए यूज कर रहा है? जिस धर्म के लोगों ने अपने लिए एक देश की मांग नहीं करी उस धर्म के लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं बाय कॉलिंग समथिंग एज हिंदू टेरर। आई थिंक जो लोग हिंदू टेरर करके ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू लोगों को बदनाम करने के लिए, उनसे ज्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। नमस्कार।